दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम की बैकबोन किंग कोहली के कदमों में गिरा भारत का भविष्य। यशस्वी जायसवाल पैर छूकर यशस्वी ने लिया कोहली का आशीर्वाद, तो उनका ये शानदार अंदाज देखकर अनुष्का शर्मा ने जो कुछ भी किया उसे देखकर आपके भी चेहरे पर मुस्कान आना निश्चित है। तो आखिर क्या थी वो घटना जब यशस्वी ने जीत लिया सभी का दिल, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल में से कौन आईपीएल 2023 में सबसे अधिक रन बनाएगा? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, कुछ अलग किसे कहते हैं ये कोई बेंगलुरु से सीख है, क्योंकि ये टीम केवल आर या पार का गेम खेलती है और जब बेंगलुरु तांडव करती है तब उनके सामने बड़ी से बड़ी टीमें भी आसानी से घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती है। ऐसा ही कुछ राजस्थान के खिलाफ भी देखने को मिला, जब करो या मरो के मुकाबले में बेंगलुरु ने उनके घर में घुसकर उन्हें इतिहास की सबसे बड़ी हार का स्वाद चखाया। जी हाँ, आपको बता दें, बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाज करते हुए डुप्लेसी और मैक्सवेल के विस्फोटक पारी ने 171 रन बनाए थे। हालांकि राजस्थान को रोक पाना वो भी इतने कम स्कोर पर नामुमकिन जैसा था, लेकिन बेंगलुरु तो इतिहास रचने के इरादे के लिए ही जानी जाती है। उनके गेंदबाजों ने अपनी आग उगलती हुई गेंदों से इस कदर कहर बरपाना शुरू किया जिसके सामने राजस्थान के बड़े से बड़े बल्लेबाज भी घुटने पर आ गए। जी हाँ, शतकवीर यशस्वी से लेकर बटलर संजू जैसे भारतीय सितारे तो अपने फैंस की उम्मीदों पर पानी फिर गए थे, तो गिरते विकेटों के पतन में देवदत्त पड़ी और ध्रुव जुरेल जैसे उभरते भारतीय सितारे भी कुछ नहीं कर पाए। नौबत ये आ चुकी थी कि केवल 57 रनों पर राजस्थान ने निहायत ही शर्मनाक प्रदर्शन करते हुए अपने 7 बल्लेबाजों को गंवा दिया था। हालांकि हेटमायर ने केवल 19 गेंदों पर 4 छक्के की बदौलत 35 रन ठोककर अपनी टीम को संभालना चाहा, लेकिन ये इतना आसान नहीं था और देखते ही देखते राजस्थान का पूरा बल्लेबाजी क्रम 59 रनों पर ढेर हो गया और 112 रनों से बेंगलुरु ने शानदार जीत दर्ज की। इसके बाद तो दोस्तों राजस्थान के खेमे में मातम का माहौल था, लेकिन इसी बीच यशस्वी जायसवाल ने कुछ ऐसा किया जिसने सभी को इस युवा खिलाड़ी का फैन बना दिया। जी हाँ, दरअसल मुकाबले के बाद जब विराट कोहली उनसे बात करने के लिए आए तब यशस्वी ने विराट को देखते ही सीधे उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद मांगा और इसे देखकर तो विराट भी एक पल के लिए सहम गए थे। हालांकि उन्होंने यशस्वी को अपना आशीर्वाद देने के साथ साथ भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी दिया और काफी लंबे समय तक इस खिलाड़ी से बातचीत की। जी हाँ दोस्तों, इस घटना को देखकर अनुष्का शर्मा के चेहरे पर भी मुस्कान थी, क्योंकि वो जानती हैं कि विराट की असली काबिलियत क्या है और ऐसे में जब यशस्वी ने विराट के पैर छुए तब अनुष्का भी उनके इस अंदाज में तालियां बजाती नजर आई, जिसका वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है और लोग इस घटना पर काफी प्यार लुटा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, विराट कोहली क्या आईपीएल 2023 में बेंगलुरु को चैंपियन बना पाएंगे? हमें अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।